खरखोदा की नई सब्जी मंडी में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली के दौरान खरखोदा की सड़क पूरी तरीके से कांग्रेस नेताओं के द्वारा लगाए गए पोस्टरों से अटी दिखाई दी। भारी संख्या में रैली में लोग नारेबाजी करते हुए ढोल के थाप पर नाचते गाते हुए पहुँचे। इस दौरान जगत महान न्यूज ने नेताओं की नब्ज टटोलते हुए खरखोदा विधायक जयवीर वाल्मीकि, सोनीपत जिला ग्रामीण महिला अध्यक्ष नीलम बालियान, पीसीसी डेलीगेट और जाट संस्था अध्यक्ष सुरेंद्र दहिया, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष धर्मपाल मलिक, पूर्व विधायक जयतीरथ दहिया, कांग्रेस नेता प्रेम अत्री, कुलदीप पहलवान, कांग्रेस नेता रणदीप मलिक व पूर्व चेयरमैन अनूप सरगथल, कांग्रेस नेताओं से रैली में जुट रही भारी भीड़ और मौजूदा सरकार की कार्यप्रणाली पर उनके विचार जाने। इस दौरान सभी का एक सुर में यही कहना था कि भाजपा जजपा गठबंधन से सब त्रस्त हैं और भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। देखिए, ये जो आज की जनसभा है ये हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समाज को तोड़ने को वोट की राजनीति करती है, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हर वर्ग को साथ लेकर चलती है, और उसी कड़ी में आज की यह सभा बुलाई गई, क्योंकि आज 36 वर्ग के लोग सब परेशान हैं, जल्द से जल्द छुटकारा चाहते हैं, और आज इस बात का फैसला हो जाएगा, खरखोदा से शुरू होता है कि आगे आने वाले सरकार कांग्रेस की है, इसमें कोशिश। देखो, 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, और सभी जन जन में, पूरी हरियाणा में, महिलाओं में, बच्चों में, पुरुषों में बड़ा जोश है, और हम सब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। पूरे प्रदेश की जनता आज भाजपा का सरकार के द्वारा दुखी की गई है, और श्री दीपेंद्र हुड्डा जी का लोगों में क्रेज इतना ज्यादा है कि आज उनके भाषण सुनने के लिए इस देश की, प्रदेश की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हालात में क्या परिवर्तन है वो सुनने और समझने के लिए आए हैं, क्योंकि सभी पीड़ित है। आज के दिन युवा है वो परेशान है, उसको रोजगार नहीं है, आज हर वर्ग परेशान है। हरियाणा में नहीं, सारे हिंदुस्तान में बहुत जबरदस्त बदलाव है, और हरियाणा में तो कोई बात ही नहीं है। हरियाणा में बीजेपी बहुत बुरी तरह से फील हो रही है, और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का बहुत जबरदस्त प्रभाव है, चाहे कहीं भी जाए, पूरे ढंग से कांग्रेस तैयार है, कामयाब होगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये परिवर्तन की लहर है सारे हरियाणा में है, इस सरकार को बदलने का ये मूवमेंट है, ये आंदोलन जो चल रहा है, ये सरकार को, सभी वर्ग इस सरकार से दुखी हैं और ये सरकार को बदलने की एक वो है पहचान। आज जो ये आपको हरियाणा की जनता में परिवर्तन की लहर दिख रही है, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के 10 साल के किए हुए कार्यों के याद करके लोग आज एक बार फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को राज सौंपना चाहते हैं। पिछले 10 साल बीजेपी का कार्यकाल देख लिया, लगभग 9 साल और 2 टर्म चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का काम देखकर लोगों ने जो कंपेयर किया है, और जो उन्होंने ये देखा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में कितने काम हुए और बीजेपी के टाइम में कितने काम हुए, आज लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कामों का याद करके दोबारा उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ये उसकी लहर है। ये है कि जनता बदलाव चाहती है और आने वाली सरकार जो है ना वो कांग्रेस की है। जनता इस राज से बहुत दुखी हो चुकी है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हर तरह से इस राज से दुखी है। कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है, क्योंकि हर वर्ग दुखी है इससे। ये कहते हैं ना, गरीब की हम सरकार हैं, गरीब की दें बिल्कुल भी नहीं है, अमीरों अमीरों की सरकार है, धनवान पूंजीवाद पूंजीपतियों की सरकार है, गरीब को गरीब बना रही है, अमीर को अमीर बना रही है। ये है जी, अच्छा जनता का मोल हो रहा है कांग्रेस के पक्ष में, भारतीय जोड़ का प्रोग्राम चल रहा है, और खरखोदा में एक पूरे खरखोदे हल्के की रैली है, उसकी बजाय ये पूरे हरियाणा की रैली हो रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनने लग रही है, कांग्रेस की सरकार बनने लग रही है, बहुत यहाँ पर वो जूम उठ रहा है। यहाँ आज ये रैली हरियाणा में एक तरफा हुड्डा साहब और भूपेंद्र हुड्डा की लहर चली हुई है,
कांग्रेस पार्टी की लहर चली हुई है। रैली में मुख्य वक्ता के रूप में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे। रैली में पहुंचने पर युवाओं का उनसे मिलने के लिए जोश देखते ही बन रहा था। लोगों ने हाथ उठाकर उनका अभिवादन किया। वह किसी ने गदा तो किसी ने गुलदस्ते व सरपंचों ने बड़ी सी माला से उनका स्वागत किया। इस दौरान स्टेज से विधायक पदम सिंह दहिया ने कहा कि जब से प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनी है चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और हरियाणा प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनी है, तभी से चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। न बिजली है, न पानी है, कानून व्यवस्था पर कुछ चौपट है। वहीं विधायक जयतीरथ दहिया का स्टेज से बोलते हुए दर्द झलक उठा और उन्होंने बताया कि कैसे एक नेता का स्टेज पर नाम ना लेने से, इनेलो से अनचाहा गठबंधन होने से उनकी हार हुई। और किस भाई का, जिस नेता जी का, जिस आदरणीय नेता का वो नाम रह गया, उसने जड़ता ही नाम ना ला दिया। बोला मेरा नमन क्यों कर रहे क्या? तो मैं ये बड़ा खुश हुआ जब यहाँ का आदमी नाम मतलब सम्मानित मंच कह दो, तो किसी भाई का नाम अगर ना लिया मैंने तो मुझे माफ करना, क्योंकि मैंने उसकी वजह आपको बता दी। दूसरी वजह एक और भी बता दू, बड़ा बर्निंग टॉपिक चल रहा है भाई, लोकदल का कांग्रेस का समझौता हो ना हो, या बीमारी या जो नाश की जड़ करें, जो भी मन नहीं करा, पिछले इलेक्शन में लोकदल से गठबंधन मेरा हो गया और वो लोकदल का गठबंधन मेरे को इतना नुकसान देगा कि मैं हजारों वोट हो जाए, सिर्फ इस वजह से मैंने लोकदल से गठबंधन कर। विधायक सुरेंद्र पवार ने कहा कि भाजपा ने युवाओं से शादी तक करवाने का वादा किया था, लेकिन आज रोजगार ना मिलने से उनके रिश्ते तक नहीं होते। इन्होंने युवाओं का सबसे बड़ा नुकसान किया है। ये बीजेपी वाले बात करते थे, ये भाई को हमारी सरकार बनवा दो, हरियाणा में तो ठेका ले लेते हमारे युवाओं का ब्याह करवाने का भी, मेरा और ना सुना है कि सारे युवाओं का भी ब्याह करने में हम ठेका ले लेते। आज आवाज ये है कि हमारे युवाओं के रिश्ते तक नहीं होते, क्योंकि कोई भी अगर रिश्ते वाला लड़का तो देखता भी लड़का क्या काम करता है, क्या रोजगार है। तो सबसे बड़ा अगर हरियाणा ने नुकसान किया तो इन्होंने युवाओं का नुकसान किया है। इस दौरान गोहाना विधायक ने सबसे आगे बढ़ते हुए मोदी को बीमारी की जड़ बताते हुए कहा कि एक नारा और है, बीजेपी भगाओ मोदी हटाओ। बीजेपी भगाओ मोदी हटाओ, एक नारा और है, बीजेपी भगाओ मोदी हटाओ, मोदी हटाना जरूरी है, सारी बीमारी की जड़ मोदी है। वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने स्टेज से संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपकी भावना को समझता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि अगली अष्टमी तक हरियाणा में आप लोगों की सरकार होगी। तो इतना लंबा कार्यक्रम चला, इतनी बड़ी संख्या में इस भावना से आप बैठे हो, मैं ये विश्वास दिलाता हूं आपको कि आपकी भावना खाली नहीं जाएगी। आज दुर्गाष्टमी की आपको मुबारक दी है, अगली दुर्गाष्टमी तक हरियाणा में आपकी सरकार के आपकी भावना लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार चुनाव की वोट पड़ी थी अक्टूबर 21 को, 2019 चुनाव अक्टूबर 22 है, इनके पास कहने को एक साल लेकिन एक साल नहीं है। 20 सितंबर को आचार संहिता लग गया, लगी थी तो इनकी 11 महीने, मगर 11 महीने भी नहीं है, 3 महीने 10 मार्च को लोकसभा की आचार संहिता लगी थी और 30 मई को प्रधानमंत्री जी ने जो है शपथ ली, तो 3 महीने लोकसभा के और 1 महीना विधानसभा की आचार संहिता, तो इनके पास तो पूरे 8 महीने भी नहीं, 7 महीने की सरकार ले रही है और इस सरकार से पीछे आपका जल्दी छूटने वाला है। नदी आपका 6-7 महीने की बात आ गई और ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आज हरियाणा के अंदर हर वर्ग इस सरकार से नाराज है, परेशान है। हरियाणा के कोने कोने में मैं जा रहा हूँ और हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी जेजेपी की ये घमंडी अहंकारी खट्टर सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में उदय गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है।
वहीं मीडिया से बात करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश की सरकार से जनता परेशान हो चुकी है और बदलाव चाहती है। इस दौरान उन्होंने सफल रैली के लिए विधायक जयवीर वाल्मीकि सहित सभी नौजवान साथी और माताओं बहनों को मुबारकबाद दी। इस दौरान सीईटी सहित जेजेपी के राजस्थान में चुनाव लड़ने के सवाल पर भी जजपा पर उन्होंने कटाक्ष किया। आज प्रदेश की जनता पूर्ण रूप से बीजेपी सरकार से दुखी पा चुकी है, त्रस्त है। प्रदेश में बदलाव चाहती है। प्रदेश में हर रूप से आज हुड्डा साहब के नेतृत्व की तरफ प्रदेश की जनता देखती है। उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर से प्रदेश में मजबूती से आगे बढ़ रही है। सर आगामी और इस आज सफल जनसभा के लिए मैं खरखोदा हलके की छत्तीस बिरादरी का, अपने सारे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथी, मातृशक्ति का और हमारे विधायक जयवीर जी का बहुत बहुत मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज एक ऐतिहासिक यहाँ पे जनसभा हुई। एमपी साहब, सीईटी के पेपर को किस तरह देख रहे हो जिस सरकार ने? ये सीईटी का जो पेपर है ये सरकार का रिपोर्ट कार्ड है। 13,000 पोस्ट पे 14,00,000 बच्चे अगर फार्म अप्लाई करें तो ये देश में मैं समझता हूँ जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश में सरकार की देन है उसका जीता जाता सबूत है। इस सरकार में ना तो कोई निवेश हुआ, ना फैक्ट्रियां लगी, ना कोई प्राइवेट सेक्टर के अंदर रोजगार के अवसर उपलब्ध हो पाए बच्चों को, और ना ही सरकारी क्षेत्र के अंदर रोजगार देने में सरकार सफल हो पाई है। इस सरकार ने हरियाणा के नौजवान के भविष्य को अंधकार में किस रूप से किया है उसका प्रमाण सिटी के अंदर ये तो इतना तो इस तरह का रेशो मैं समझता हूँ ये तो यूपीएससी के इम्तिहानों में हुआ करती है। सर पांच राज्यों में चुनाव है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ किस तरह से आप टक्कर है वो देख पा रहे हो? हम निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी इन पांच राज्यों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। जो रिपोर्ट आ रही है मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में बहुमत के साथ कांग्रेस आ रही है और हरियाणा और राजस्थान में भी हर रोज कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है। और जो लोग कह रहे थे कि राजस्थान में टक्कर होगी, जैसे जैसे टिकट वितरण हुई है उसके बाद राजस्थान में भी आज कांग्रेस पार्टी, क्योंकि अब तो 6-7 महीने रह गए, 6-7 महीने की ये सरकार मैंने जैसे आज गिनवाया यहाँ कि ये 6-7 महीने की, बाकी तो 1 महीना स्टेट के इलेक्शन की आचार संहिता, 3 महीने लोकसभा में, तो ये केवल कुल मिला के 7 महीने की सरकार रह गई है। तो ऐसे में 7 महीने में तो चुनाव के लिए वोट मांगने आए, काम कराने आते तो पहले साल आते, दूसरे नहीं तो तीसरे साल तो आ ही जाते हैं, चौथा साल भी नहीं आए। राजस्थान में 6 महीने जब बचे हैं, 6 महीने बचे तब आए हैं, तो जनता समझती है ये वोट इनको देने नहीं लोगों को। अब वो जाए राजस्थान में जाए, कल कोई तमिलनाडु भी जा सकते हैं, किसने नहीं रोका। जेजेपी मैं समझता हूँ अगली बार तमिलनाडु भी जाने की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन हरियाणा में कुछ नहीं बचा, हम ये कह सकते। सर दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि राजस्थान की उन्नति का ताला जेजेपी की चाबी से खुलेगा, जैसे वो विधानसभा की ताला खुलने की बात कर रहे हैं, तो हरियाणा का खुल गया? नहीं नहीं, ये जो कह रहे हैं कि ताला चाबी खुलेगी तो ये खुलेगा, हरियाणा की कौन सा ताला खुला? इस दौरान विधायक जयवीर वाल्मीकि, विधायक पदम सिंह दहिया, विधायक सुखबीर फरमाना, पूर्व विधायक जयतीर्थ दहिया, विधायक जगबीर मलिक, विधायक इंदुराज नरवाल, विधायक सुरेंद्र पवार, खरखोदा प्रभारी विधायक संत कुमार, पीसीसी डेलीगेट जसपाल अंतिल, वरिष्ठ नेता प्रेम अत्री, ललित पवार, कुलदीप गंगाना, राजमल चहल, पार्षद सूर्या, कुलदीप पहलवान, दिलबाग खान, रमेश हुड्डा आदि लोग मौजूद रहे। जगत महान न्यूज के लिए खरखोदा से सारिका नरवाल के साथ तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।